हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चायज अप। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैंड केयर, जैसे कि हाथों के केयर मैं कैसे करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है नीलेमन एंड शक्कर, जो कि हाथों की झुर्रियों को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नींबू, और उसमें मैंने स्क्रब एज अ स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल किया है जी, और इस तरीके से मैंने इसे रब किया है, मीन्स रगड़ना है। इससे कि ना हमारे हाथों में जो डार्क पैचेस होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं और जो गंदगी निकल जाती है, तो आप इस तरीके से अपना जो हाथों में स्क्रब यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्क्रब का प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप इस तरीके से DIY स्क्रब बना सकते हो। मुझे ऐसा टाइम मिलता है तो मैं इसी तरीके से अपना हैंड केयर करती हूँ। एज के साथ साथ हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे ज़्यादा लेडीज़ एजिंग की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। इसका सीधा असर ना हमारे चेहरे, गर्दन के साथ साथ हाथों पर भी पड़ता है, जिसके कारण हाथों पर रिंकल्स आ जाते हैं। इसके हाथों में खूबसूरती कम होने लगती है और आप ना एज के हिसाब से बूढ़े लगने लगते हो। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा ये रेमेडी पसंद आया तो मेक श्योर कि आप लाइक करोगे, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं कर रही हूँ अपनी हाथ की केयर के लिए। एज बढ़ने के कारण हमारे स्किन की जो एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण हाथों में रिंकल्स पड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा से ही स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अपने फेस की केयर करते हो वैसे आपको अपने हाथ की भी केयर करनी है। तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे स्क्रब एंडिंग पे आ गया और मैंने अच्छे से दोनों हाथों में स्क्रब कर लिया। आप देख सकते हो कितना अच्छा शाइन कर रहा है अभी से मेरा हाथ। और यहाँ पे एल्बो के पास बहुत ज़्यादा डर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होता है, तो यहाँ पे आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से हाथ साफ कर लिया था, मिस वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा शाइन बनाता है और बहुत ज़्यादा मीन्स झुर्रियों को कम करता है काफ़ी हद तक। तो आप इसे स्किन पे भी लगा सकते हो एंड हेयर पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाथ में भी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मीन्स तेल लगाने के बाद मैं 5-10 मिनट रुक गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट के बाद। आप चाहे तो कोई भी हैंड क्रीम लगा सकते हो या फिर सनस्क्रीन लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सनस्क्रीन। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सनस्क्रीन। जैसे कि आप घर में हो या बाहर हो, आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, आप घर पे भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाथों को रिंकल्स को बचाने के लिए हमेशा ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जिसकी SPF 30 से ज़्यादा हो। और ये वाली सनस्क्रीन है, तो आप देख सकते हो मेरा जो हाथ है कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है।